आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का क्लास 10th का। और सबसे अच्छी बात जो चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर कौन सा है, पॉलिनोमियल है। इससे पहले पहले चैप्टर का वीडियो बन चुका है, जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछे गए थे वो आप जाके देखिए उसको कि किस पैटर्न पे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। चैप्टर वाइज करने का फायदा क्या है, अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जैसे किसी चैप्टर को आप क्या करते हो, पढ़ लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो, तो उससे आपका एक पैटर्न मिल जाएगा और दूसरा आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स 6x² प्लस 37x माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन दिया गया है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2, इसका एक जीरो जो है अगर अल्फा है तो इसी का दूसरा रेसिप्रोकल है, 1/अल्फा होगा, यही बोला गया कि दूसरा क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। अगर अब ये पता चल गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि लेट 10 ऑफ पॉलिनोमियल ये अल्फा है, तो इसका सेकेंड जीरोज क्या हो जाएगा, सेकेंड जीरोज क्या हो जाएगा, 1/ में अल्फा आ जाएगा। तो ये दोनों हमें दिया हुआ था, अभी तक दिया था, अब हमें फाइंड क्या करना है कि बताइए कि k की वैल्यू क्या आएगा, ये हमें फाइंड करके लाना है, ये हमें फाइंड करके लाना है। तो देखते हैं फाइंड कैसे करते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करिए। तो अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता क्या है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े ax² प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर इसका सम ऑफ जीरोज निकालोगे, सम ऑफ जीरोज निकालोगे वो आता है -b/a के बराबर, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे वो c/a के बराबर आता है। तो हमें क्या यूज करना है, रेसिप्रोकल जब भी वर्ड यूज करें तो आप इसको यूज करिए, इसे यूज करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे या गलतियां कर देंगे, इसलिए सबसे आसान क्या होता है, किसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो अब हम देखते हैं इससे कंपेयर करते हैं पहले, तो a की वैल्यू क्या आने वाला है, जो a की वैल्यू इससे अगर कंपेयर करोगे वो 6 आ जाएगा, और b की वैल्यू किसके बराबर आने वाला है, जो b की वैल्यू आने वाला है वो 37 के बराबर आने वाला है, और c की वैल्यू जो आने वाला है वो c की वैल्यू आने वाला है जो माइनस k माइनस टू। तो ये a b c की वैल्यू, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये जो होता है c अपॉन में किसके बराबर दिया हुआ है, a के बराबर दिया हुआ, ठीक है। तो अब देखो इसमें अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, मतलब पहला वाला जीरोज था, दूसरा वाला जीरोज बीटा की वैल्यू जो सेकंड जीरोज है वो क्या बन चुका है, 1/अल्फा बन चुका है, और c की वैल्यू कितना आ चुका है, c की वैल्यू आ चुका है k-2, और a की वैल्यू किसके बराबर है, वो 6 के बराबर है। ऐसा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इधर 1 बचा, और इधर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -k+2, और इधर आ जाएगा 6। अब इसका हमने मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -k+2=6 आ जाएगा, तो 2 को उधर ले जाइए तो -k, और इधर आ जाएगा 6-2, और जो k की वैल्यू आने वाला है कितना आएगा, -k=4 आ गया, तो k की वैल्यू आ जाएगा वो -4, क्या आ गया, -4। इसमें दो ऑप्शन तो सेम हो नहीं सकता, इसलिए एक ऑप्शन क्या होगा, माइनस होगा, चाहे डी वाला होगा चाहे ए वाला होगा, इन दोनों में से कोई एक तो माइनस होगा, तो इसलिए इसका कौन सी वैल्यू सही हो जाएगा, अभी इस डी वाला सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आसान लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।